Once again, welcome back to my class. This is our lecture number 2. Today, we shall discuss about the types of vectors. We have already completed in our lecture number 1. That is your vector introduction. What is vector? What are vector quantities? What are scalar quantity? How can we represent a vector quantity? ठीक है, तो जस्ट मैं रिवाइज कर रहा हूँ. जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, जो वेक्टर क्वालिटी क्या, हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. उसका बहुत सारा एग्जांपल है, एग्जांपल में बोल दिया था. देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, स्केलर देखेंगे तो स्केलर को हैविंग मैग्नीट्यूड ऑनली. ठीक है, हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट इज योर वेक्टर क्वांटिटीज. ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज वैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो हेड. ठीक है, तो क्या देखो, ये टेल ए हेड है. ठीक है, क्या है ये टेल ए हेड है. तो ये जो पोजीशन है ये टेल है, टेल बोलते हैं उसको, हेड बोलते हैं. सपोज दिस इज ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर ये टेल है, ये हेड. ओके, तो स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो. ठीक है, उसको वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं. देन हम पढ़े थे एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी का क्या एक्चुअली कॉन्सेप्ट है, क्यों हम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोल रहे हैं. देन करंट इज ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, ये हम पढ़े थे. करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी बोल के पढ़े थे हम. ठीक है, ये बारे हम पढ़े थे. जस्ट इंट्रोडक्शन में दिया था मॉडुलस वेक्टर, यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक वेक्टर को मॉडुलस मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो विच हैविंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में है. ठीक है, रिवाइज कर रहा हूँ. मॉडुलस मीन्स मैग्नीट्यूड, ये हम पढ़े थे नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. मीन्स सपोज यहाँ पे जो डायरेक्शन है एक एक्सिस में है, सपोज एक पर्सन वहां तक, सपोज ये 1 मीटर, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन प्लस वाई, ये माइनस एक्स, ये वाई दी योर माइनस वाई. ठीक है, सपोज ए वेक्टर मैं ट्री बता था, एक्स को आई कैप हम करेंगे, फिर वाई को जे कैप, जेड को ए कैप. नहीं, सपोज ए वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और जेड एक्सिस का भी दिया है तो ठीक है. तो उसका हम मॉडुलस कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला क्या है, ए एक्स रॉ स्क्वायर प्लस ए वाई रॉ स्क्वायर रॉ रूट. दिस इज योर मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करेंगे. सपोज ये पर्सन है, ये ओरिजिन है 1 मीटर टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन, मीन्स उसका ये मैग्नीट्यूड है. व्हाट, कौन सा डायरेक्शन, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है. यहाँ पे माइनस 1 मीटर मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड कितना है 1 मीटर, और डायरेक्शन यहाँ पे पॉजिटिव एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स डायरेक्शन, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जा रहा है, ये माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, 1 मीटर विद माइनस एक्स एक्सिस डायरेक्शन. ठीक है, वो ही डिफरेंस है. तो ये हम पढ़े थे मॉडुलस कैसे कैलकुलेट करेंगे. देन हम पढ़े थे क्या यूनिट फैक्टर के बारे में, क्या यूनिट फैक्टर. यूनिट फैक्टर मीन्स जो मैं फॉर्मूला बताया था उसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर बाय ए वेक्टर ऑफ मॉड, जो गिवन वेक्टर दिया है वो वेक्टर बाय वेक्टर ऑफ. तो वहां पे देखो स्टूडेंट्स, ए वेक्टर ऑफ मॉड ए वेक्टर हो जाएगा, उसको हम कैंसिल करने क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा. मींस यूनिट फैक्टर व्हिच मैग्नीट्यूड इज ओनली 1, व्हिच मैग्नीट्यूड इज ओनली 1, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, मींस उसको बोलते हैं यूनिटी. क्या बोलते हैं यूनिटी, मींस उसका यूनिट जो है 1 है. यूनिट क्या बोलते हैं, टर्म यूनिट, यूनिटी मींस वैल्यू 1. तो हम देखेंगे ये ए वेक्टर तो ए हो जाएगा, तो ए वेक्टर इक्वल टू ए ए कैप, मीन्स देखो ए वेक्टर का मॉड ए. ठीक है, देन ए वेक्टर है, ए वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ए वेक्टर ए मीन्स उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो ए एक वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक यूनिट वेक्टर तरफ से, तो उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. डायरेक्शन जो कैप है वो कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, कौन सा डायरेक्शन, आई कैप जे कैप के कैप, एक्स वाई, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन. तो देखो ये बिग फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है. तो देखो मीन्स ए वेक्टर ए कैप इंटू, सॉरी ए वेक्टर इंटू ए कैप. मैं एक वेक्टर लिखूंगा, सपोज बी वेक्टर
कैसे लिखेंगे? बी बी के मीन्स ये जो इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो क्या क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। एक ट्रेंड लाइन एरो मार्क है मींस ये वेक्टर क्वांटिटी है, मींस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, तो मैग्नीट्यूड कितना है उसका? मैग्नीट्यूड ऑलवेज वन, मैग्नीट्यूड वन। बट डायरेक्शन को बात करेंगे, इट्स डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग इट्स पेरेंट वेक्टर। इट्स डायरेक्शन इज अलोंग इट्स पेरेंट वेक्टर मींस ये ए वेक्टर, पेरेंट वेक्टर क्या है? ए वेक्टर। तो इसका डायरेक्शन कौन देगा? ए वेक्टर देगा। जैसे आप लोग बहुत सारा चिल्ड्रंस है, ठीक है, एक चिल्ड्रन, वो चिल्ड्रन का डायरेक्शन कौन देगा? उसका पेरेंट्स देगा। तो वो ए वेक्टर का डायरेक्शन कौन देगा? ये पेरेंट वेक्टर देगा। मींस ए वेक्टर का पेरेंट वेक्टर कौन है? ए वेक्टर। मींस इसका डायरेक्शन इज अलोंग इट्स गिवन वेक्टर, अलोंग इट्स ए वेक्टर। उसका भी ये बी वेक्टर डायरेक्शन पेरेंट वेक्टर कौन है? बी वेक्टर। मींस वहां पे डायरेक्शन लिख पाए तो ए वेक्टर जो ए क्या जो यूनिट वेक्टर इज इट्स अलोंग एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग इट्स पेरेंट वेक्टर। मैग्नीट्यूड वन, डायरेक्शन इज अलोंग इट्स पेरेंट वेक्टर, ये है यूनिट वेक्टर। तो ए कैप वहां पे देखो, ए कैप तो वो एक क्वेश्चन दिया टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप, ए वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है। तो ये टू एलम विथ एक्स एक्स डायरेक्शन, जे कैप प्लस है, देखो साइन साइन क्या है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाई। तो ए का मॉड लिखेंगे तो हम टू रस स्क्वायर प्लस थ्री रस स्क्वायर रूट ऑफ वन, उसका हम यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर पाएंगे। ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर बाय ए वेक्टर ऑफ मॉड, इसे टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप बाय ए फोर प्लस नाइन, कितना होगा? थर्टीन, थर्टीन ऑफ रूट ऑफ वन। देन टू बाय रूट ओवर थर्टीन आई कैप प्लस थ्री बाय रूट ओवर थर्टीन जे, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर है। ओके, मींस ए वेक्टर द पेरेंट वेक्टर जो ए कैप है, ये पेरेंट वेक्टर ए वेक्टर मींस इट्स डायरेक्शन इज और इट्स पेरेंट है, मैग्नीट्यूड इज वन, ठीक है। तो ये हम पढ़े थे मोनोरस देन यूनिट वेक्टर, ठीक है। देन अभी हम देखेंगे आज का जो क्लास है वो क्लास हम टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में देखेंगे, क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में बिफोर वी कैन गो थ्रू द टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो मैं एक वेक्टर को बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, दैट इज योर पोजिशन वेक्टर, दैट इज योर पोजिशन वेक्टर, उसको आर रिप्रेजेंट करते हैं पोजिशन वेक्टर, ठीक है। तो भाई मान लो एक एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन ओ है, ठीक है। तो वहां पे ए ओ पी, पी इज ए वेक्टर, ठीक है। तो ओ यहां पे क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? इट टेल्स अबाउट द स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन मीन्स का मैग्नीट्यूड थ्रू ओरिजिन, इट टेल्स अबाउट इट्स स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन। तो ये जो लाइन है ये मैग्नीट्यूड लिखता है, देन वो जो देखो डायरेक्शन, ये भी डायरेक्शन, इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द डायरेक्शन थ्रू ओरिजिन। ओके, तो देखो यहां पे देखो जो ये है मीन्स कुछ पोजिशन ले रहे हैं, ये जो प्लेन में है जो वेक्टर है वो प्लेन में मीन्स एक्स वाई प्लेन में है, क्या है? एक्स वाई प्लेन में कुछ पोजिशन ले रहे हैं, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? ये वेक्टर मीन्स आर मीन्स विद द पोजिशन वेक्टर, क्या बोलेंगे? पोजिशन वेक्टर, क्या बोलेंगे? पोजिशन वेक्टर बोलेंगे। मीन्स इट टेल्स अबाउट क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? ये मैग्नीट्यूड थ्रू ओरिजिन और डायरेक्शन, आज डायरेक्शन थ्रू ओरिजिन, उसको हम क्या बोलेंगे? बेसिक टर्म, ये टेक्निकल टर्म को याद रखो, कुछ नहीं, ये क्या बोलते हैं? पोजिशन वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? पोजिशन वेक्टर बोलेंगे। तो देखो पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, ये पोजिशन वेक्टर मींस कितने कहां पे है? प्लेन में है, एक्स एंड वाई प्लेन में है। तो क्या बोलेंगे हम? पोजिशन वेक्टर बोलेंगे। और एक टर्म आएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल्स में सब यूज होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और डेल आर बोलते हैं। सो भाई मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां पे एक पोजिशन वेक्टर है और यहां पे एक पोजिशन वेक्टर है। सपोज ये पोजिशन वेक्टर आर वन एट इंस्टेंट सपोज टी, एंड ये पोजिशन वेक्टर आर टू एट इंस्टेंट टी डैश सपोज,
ठीक है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। ठीक है, तो देखो जो हायर में क्या आ चुका है, तो ये आर वन, तो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू वो होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज योर आर टू माइनस आर वन, मीन्स डेल आर इज इक्वल टू आर टू माइनस वन, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहां पे मेमोरी का हल सॉल्व करेंगे, ये सपोज वन टू थ्री में है, जीरो वन टू है, तो हायर टू में और हाउ क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये न्यूमेरिकल्स में आएगा r2 माइनस r1, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये जस्ट कुछ नहीं है, जस्ट डेफिनेशन मींस कांसेप्ट, यहां पे हम न्यूमेरिकल्स में हम यूज करेंगे। इसको क्या बोलेंगे, डेल r डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये क्या बोलेंगे हम, पोजीशन वेक्टर। ओके ठीक है, देन हम अभी जाएंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर को। ठीक है, वैल्यू अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर स्टार्ट होगा। टाइप्स ऑफ वेक्टर में फर्स्ट हम देखेंगे नॉन वेक्टर के बारे में, मीन जो जीरो वेक्टर है, क्या है क्या? जीरो वेक्टर, तो हेडिंग लोगो जीरो वेक्टर और कॉल्ड एज नॉन वेक्टर, नॉन वेक्टर मींस वेक्टर आ गया तो जीरो टॉपर क्या आएगा, जीरो मार, उसका सिंबल सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, ये जीरो के बारे में आप लोग एट नाइन टेन में अब तो पांच क्लास से टेंथ क्लास तक उसका एप्लीकेशन बहुत है, आप लोग मीन्स पढ़े हैं एप्लीकेशन कितना इम्पोर्टेंट है उसका। ठीक है, तो ये जो नल वेक्टर है, हमारा वेक्टर में भी एक बेसिक टर्म है, एक वेक्टर है जिसको हम जीरो नहीं बोलेंगे, जीरो वेक्टर बोलेंगे। वेक्टर में बोला था मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मीन्स जीरो वेक्टर हम बोलेंगे। ठीक है, तो जीरो वेक्टर मीन्स क्या, जीरो को देख के हम समझ रहे हैं जो एक्चुअली वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा, क्या होगा, मैग्नीट्यूड जीरो होगा, मीन्स उसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है, मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है। ओके, बट हम देखेंगे इट हैज, और डायरेक्शन को देखेंगे, इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन मीन्स सर्टन डायरेक्शन कुछ नहीं है, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, नो इंफॉर्मेशन है, वन इज योर मैग्नीट्यूड इज वन, एंड डायरेक्शन बात करेंगे तो इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। कैसे समझ, मान लो एग्जांपल है, एग्जांपल बोल रहा हूं, एक ये एक्स है, ये वाई है, ये माइनस वाई है, ये माइनस एक्स है, और ये समझ जीरो जीरो है। ठीक है, तो देखो ये जो वेक्टर यहां भी जा पाएगा, ये डायरेक्शन भी जा पाएगा, ये डायरेक्शन भी जा पाएगा, ये डायरेक्शन में भी जा पाएगा। ठीक है, तो देखो मीन्स उसका जो आर्बिट्ररी मीन्स कुछ आर्बिट्ररी डायरेक्शन नहीं है, कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, इट इज नो आर्बिट्ररी डायरेक्शन, उसको क्या बोलेंगे हम, नल वेक्टर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जीरो। देखो ये जो डायरेक्शन में ये भी जा पाएगा वहां पे, ये डायरेक्शन में ए वाई एक्सिस से माइनस एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, उसको क्या बोलेंगे हम, जीरो वेक्टर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर, मींस इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज वन। उसका कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों, क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज को याद रखो। फर्स्ट प्रॉपर्टी योर ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर, दैट इज योर ए वेक्टर, मींस एक वेक्टर को हम जो भी जीरो वेक्टर में हम एडिस मींस एड करेंगे तो ए वेक्टर आएगा। ठीक है, नंबर टू, ए वेक्टर को हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे तो ए वेक्टर ही आएगा। ठीक है, देन ए वेक्टर क्रॉस जीरो वेक्टर, दैट इज योर जीरो वेक्टर। ठीक है, देन ए डॉट जीरो वेक्टर, दैट इज योर ओनली जीरो, जीरो के ऊपर वेक्टर नहीं आएगा। ये दोनों जो है, ये क्रॉस प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट देन ये डॉट प्रोडक्ट। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में मैं इलैबोरेट करूंगा, पूरा टोटल इंफॉर्मेशन इलैबोरेट करूंगा, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा क्यों यहाँ पे डायरेक्शन नहीं, वेक्टर डायरेक्शन है यहाँ पे, कोई कहीं क्यों वेक्टर डायरेक्शन नहीं है, तो ये प्रोडक्ट में हम देखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये सपोज क्वेश्चन आ गया, ये प्रॉपर्टीज है, एक क्वेश्चन कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ गया सर ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या होगा, देखो सेम वेक्टर
फिर भी सेम वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड सेम, पॉजिटिव ये डायरेक्शन भी सेम। तो जो भी एक वेक्टर को सेम वेक्टर को हम माइनस करेंगे तो जीरो वेक्टर ही आएगा। एक क्वेश्चन सिंपल वन मार्क क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, मान लो जैसे यहां पे जो मैं बोला ये कुछ ऑर्बिटरी डायरेक्शन नहीं है, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं, ये भी जा पाएगा वो, ये भी जा पाएगा ये भी जा पाएगा, तो उस मैग्नीट्यूड जीरो है, इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, तो ये है देखो, जब हम प्रोडक्ट में देखेंगे तो स्टडी करेंगे दो। ठीक है, देन हम ये हो गया एक जीरो फैक्टर। देन अभी मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ऑर्थोगोनल फैक्टर्स, क्या है ऑर्थोगोनल फैक्टर और बेस फैक्टर, या फिर न्यूमेरिकल से बहुत स्टार्ट होता है। ठीक है, ऑर्थोगोनल एंड बेस फैक्टर। ओके, तो अभी क्या ऑर्थोगोनल फैक्टर देखेंगे, क्या देखेंगे ऑर्थोगोनल एंड उसको बोलते हैं बेस फैक्टर, क्या बोलते हैं बेस फैक्टर। ठीक है, तो ये जो ऑर्थोगोनल का एक्चुअली प्रॉपर डेफिनेशन है, एक्चुअली जो यूनिट फैक्टर का बीच में, जो यूनिट फैक्टर के बीच में एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, क्या होगा 90 डिग्री। तो जो मान लो ये देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये देखो यहां पे तो बोर्ड में हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे जेड एक्सिस को, ये जेड एक्सिस क्या वाई के बाद परपेंडिकुलर है, इसलिए हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में ये क्या है आई कैप है, ये जे कैप है, ये टी कैप है। तो जो यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप है टी कैप, जो यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, देखो ये 90 डिग्री है, ये दोनों वाई एंड जेड का एंगल तो वो भी परपेंडिकुलर डिग्री में है, मींस एक्स परपेंडिकुलर वाई परपेंडिकुलर जेड, मींस उसके बीच में कितना डिग्री एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो x का पॉजिटिव x जो है ये y है i कैप, देन पॉजिटिव y j कैप, देन ये z ये हम उसका ट्रिक्स। तो ये देखो x वेक्टर x डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, तो देखो x एंड y ये xy है। ठीक है, तो देखो xy प्लेन में 90 डिग्री है, yz ये yz प्लेन में, वो बीच में ऐसे आएगा ना, ऐसे प्लेन में यहां पे ऐसे ड्रॉ करते हम ड्रॉ नहीं कर पाते, इसलिए वो बीच के बीच क्या वाई एंड जेड के बीच में 90 डिग्री है। तो जो यूनिट वेक्टर के बीच में 90 डिग्री है उसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्थोगोनल वेक्टर और बेस वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे ऑर्थोगोनल, देखो x एंड y परपेंडिकुलर विद ईच अदर, देन y z परपेंडिकुलर विद ईच अदर, तो इसको हम लिख पाएंगे मींस i कैप परपेंडिकुलर, j कैप परपेंडिकुलर, k कैप। ठीक है, तो देखो ये जो 90 डिग्री है, तो जो बीच यूनिट वेक्टर बीच में 90 डिग्री आएगा उसको क्या बोलेंगे हम ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो उसी को मान लो देखो, जैसे यूनिट वेक्टर एंड ऑर्थोगोनल वेक्टर में बीच में डिफरेंस क्या है, जो यूनिट वेक्टर क्या है आइदर 90 डिग्री हो पाएगा और 90 डिग्री नहीं भी हो पाएगा। ठीक है, मैटर नहीं करता है 90 डिग्री और नॉट, बट ऑर्थोगोनल में मस्ट बी 90 डिग्री हो, ये है डिफरेंस यूनिट वेक्टर एंड ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक है, तो देखो एक्स वाई 90 डिग्री, वाई जेड 90 डिग्री है, तो वहां पे जो मैं बोला क्या परपेंडिकुलर विद ईच अदर। ठीक है, तो जैसे हम डिफरेंट देखेंगे यूनिट वेक्टर में, तो ये 90 डिग्री या 90 डिग्री नहीं, बट ऑर्थोगोनल में मस्ट बी 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे हम नोट कर रहे हैं, ठीक है, ये डेफिनेशन क्या है, बीच में कितना डिग्री 90 डिग्री, उसको क्या बोलेंगे ऑर्थोगोनल और बेस वेक्टर बोलेंगे। नोट में क्या हो पाएगा, जो ऑल ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑल ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, बट ऑल यूनिट वेक्टर्स आर नॉट ऑर्थोगोनल, आर नॉट ऑर्थोगोनल, ये है नोट पॉइंट, मींस कॉन्सेप्ट है उसका, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। सो कुछ मान लो देखो, यहां पे एक पर्सन, ठीक है, ये 2 मीटर है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस सपोज, ठीक है, तो ये पर्सन 2 मीटर जा रहे हैं, प्लस 2 मीटर मींस डिस्टेंस प्लस 2 मीटर, ठीक है, मीन्स मैग्नीट्यूड है ये,
along x axis, origin x axis, ठीक है। देन हम देखेंगे s, सपोज वेक्टर ये वेक्टर क्वांटिटी माइनस टू मीटर, ए डायरेक्शन में जा रहे हैं माइनस टू मीटर, ठीक है। तो माइनस टू मीटर अलोंग मीन्स टू मीटर होगा, मैग्नीट्यूड टू मीटर होगा, व्हाट अलोंग माइनस एक्स एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन हो रही है, तो मैग्नीट्यूड माइनस टू है बट डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो एक्चुअली ऑल ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, तो यहां पे देखो s1 इक्वल टू प्लस 2 मीटर, सपोज a गया वहां पे s2, ये भी 2 मीटर का, तो s2 इक्वल टू 2 मीटर अलोंग y एक्सिस, इसे हम लिख पाएंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंगल डायरेक्शन में लिख पाएंगे, उसको क्या बोले ऑर्थोगोनल वेक्टर, जो b यूनिट वेक्टर के बीच में कितना डिग्री एंगल 90 डिग्री है, बट ऑल ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर्स, बट ऑल यूनिट वेक्टर्स आर नॉट ऑर्थोगोनल, ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री नहीं भी होगा, बट ऑर्थोगोनल में मस्ट बी 90 डिग्री, वो क्या बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। देन हम देखेंगे इक्वल वेक्टर्स, क्या देखेंगे इक्वल वेक्टर्स, बीच में नेक्स्ट आएगा इक्वल वेक्टर्स, देखो जस्ट ये थ्योरेटिकल है, तो थ्योरी और कांसेप्ट को याद रखो, न्यूमेरिकल्स में सब सॉल्व कर पाओगे, क्या है इक्वल वेक्टर्स, यहां पे पता चल रहा है कि इक्वल मींस सेम, क्या इक्वल मींस सेम, इक्वल मींस क्या है सेम, तो वेक्टर्स मींस क्या है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो एक वेक्टर है सपोज ए वेक्टर, ठीक है, और ए वेक्टर सेम है बी वेक्टर, देखो वहां पे देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या है मैग्नीट्यूड को डिपेंड कर रहा है, मींस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम, ए डायरेक्शन में है ये एक डायरेक्शन में है, मींस ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, ओके, मींस सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन एज वेल एज सेम डायरेक्शन, क्या बोलेंगे इक्वल वेक्टर, और उसके बीच में एंगल कितना आएगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आएगा, क्या आएगा 0 डिग्री आएगा, तो ये है तुम्हारा क्या इक्वल वेक्टर्स है, स्ट्रेट लाइन देखो ये मैग्नीट्यूड ये सेम डायरेक्शन में है मींस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ए वेक्टर सपोज ए वेक्टर सी वेक्टर मींस ए वेक्टर सी वेक्टर सेम में मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन भी सेम में, ठीक है। देन आएगा नेगेटिव वेक्टर्स, क्या आएगा नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर नेगेटिव मींस सपोज एक फिल्म में विलेन नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा है, ठीक है, एक हीरो रहेगा, हीरो क्या पॉजिटिव कैरेक्टर करेगा, ठीक है, तो हीरो रहेगा पॉजिटिव कैरेक्टर करेगा, तो उसका अपोजिट जो है विलेन वो नेगेटिव करेगा, बस हमको पता चल रहा है जो जो हीरो जो कैरेक्टर करेगा उसका अपोजिट कैरेक्टर कौन करेगा विलेन करेगा, तो यहां पे हमको पता चल रहा है एक वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है, सपोज ए वेक्टर क्या उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में है, उसको हम क्या बोलेंगे माइनस ए वेक्टर, क्या बोलेंगे माइनस ए वेक्टर, ये देखो मैग्नीट्यूड भी सेम है डायरेक्शन थोड़ा ऑपोजिट है, मींस सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर, उसको बीच में एंगल आएगा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, क्या आएगा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री आएगा, ठीक है, तो ये इक्वल वेक्टर्स है नेगेटिव वेक्टर्स है, ओके स्टूडेंट्स। उसके देन नेक्स्ट आएगा कोलिनियर वेक्टर्स आएगा, क्या आएगा कोलिनियर वेक्टर्स, तो उसके बीच में क्या आएगा कोलिनियर वेक्टर्स आएगा, ठीक है, तो देखो वहां पे देखो जो नेगेटिव वेक्टर्स में सपोज मान लो ए वेक्टर ऐसे दिया है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन ए वेक्टर सी वेक्टर सपोज उसका ऑपोजिट डायरेक्शन माइनस ऐसे हम ड्रा कर पाएंगे। देन हम पढ़े थे स्टूडेंट्स में जो लाइव क्लास में बोला था पोलर वेक्टर्स एंड एक्सियल वेक्टर्स के बारे में, पोलर वेक्टर्स मीन जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और एक्सियल वेक्टर मीन जो एक्सिस ऑफ रोटेशन में एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर मोमेंट और टॉर्क, उसके बारे में इलेबोरेट करूंगा मैं लास्ट क्लास में, जो वेक्टर्स का लास्ट क्लास में टॉर्क आएगा, ठीक है, वहां पे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सब आएगा वहां पे इलेबोरेट होगा,
पोलर एंड एक्सेल वेक्टर। तो दोनों पोलर एक्सेल वेक्टर में सब वेक्टर्स इंक्लूड है, तो दोनों टाइप्स में डिवाइड करते हैं, वन इज पोलर एंड अदर इज एक्सेल वेक्टर्स। ठीक है, उसके अलावा क्या कोलिनियर, क्या आएगा कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स मीन पता चल रहा है वहां पे, को मींस कॉमन और सेम, कॉमन और सेम, लिनियर मींस लाइन, इन्हें हमको पता चल रहा है जो वेक्टर सेम लाइन में है। ठीक है, मींस द वेक्टर्स व्हिच हैज सेम लाइन ऑफ एक्शन, व्हिच हैज सेम लाइन ऑफ एक्शन, व्हिच हैज सेम लाइन ऑफ एक्शन, द वेक्टर व्हिच हैज सेम लाइन ऑफ एक्शन इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। मान लो सब कुछ एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर ऐसे डायरेक्शन में है, ये वेक्टर ये डायरेक्शन में है। ठीक है, मान लो ये डी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये वी वेक्टर, ये ए वेक्टर। देखो वहां पे कौन कौन वेक्टर सेम लाइन में है, मान लो सपोज ऐसे देखो ए वेक्टर, बी वेक्टर, देन सी वेक्टर, वो लोग सेम लाइन में है, सेम लाइन में रहेगा बट डायरेक्शन ऑपोजिट भी रहेगा, डायरेक्शन सेम भी रहेगा ऑपोजिट भी रहेगा। तो उसको देखो ये सेम लाइन में है, सेम लाइन में है। ठीक है, ऐसे 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 ए बी सी लाइन सेम लाइन में है बट डायरेक्शन देखो ए ओ डायरेक्शन में, ओ डायरेक्शन में, ओ डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम है। सपोज देखो यहां पे जो एग्जांपल है सेम लाइन में एक्शन, यहां पे कौन कौन कोलिनियर में है, ना ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर सेम लाइन में, तो वहां पे हम बोल पाएंगे ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स। देखो सेम लाइन में है बट यहाँ पे देखो ये सेम लाइन में है बट उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में ये है सी वेक्टर, तो आकर बोल पाएंगे बट ये डी वेक्टर को हम कोलिनियर नहीं बोल पाएंगे। क्यों? ये वेक्टर देखो ये जो डायरेक्शन ये सेम लाइन में है वो तो अलग सेम लाइन में है। ठीक है, तो देखो जैसे सिंपल मान लो ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये उसका ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ये वेक्टर अभी हम पढ़े सेम लाइन में डायरेक्शन सेम है, तो कितना डिग्री? जीरो डिग्री, वो कितना? 180 डिग्री, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो देखो ए एंड डी, बी एंड डी, सी एंड डी, ए डी वेक्टर, बी एंड डी वेक्टर, देन सी एंड डी वेक्टर, ये कोलिनियर नहीं हो पाएगा, क्या होगा? नॉन कोलिनियर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे। जैसे मान लो देखो व्हिच इज सेम लाइन ऑफ एक्शन, ये देखो लाइन सेम में है बट डायरेक्शन ऑपोजिट में रहेगा, चलेगा कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री 180 डिग्री, तो उसके बीच में 0 या 180 डिग्री नहीं है, 0 डिग्री नहीं है, 180 डिग्री नहीं है। हाँ सपोज मान लो ये एक वेक्टर आएगा ऐसे सेम लाइन में, ऐसे सेम लाइन में आएगा, सपोज ई वेक्टर आएगा, उसको हम बोल पाएंगे डी एंड वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, क्योंकि ये सेम लाइन में ऑपोजिट डायरेक्शन चलेगा, तो बीच में 180 डिग्री है, बट ये जो है उसको हम लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो उसके बीच में तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री 180 डिग्री नहीं। ठीक है, तो उसका कंडीशन क्या रहेगा? सेम लाइन में रहेगा, कंडीशन क्या? सेम लाइन, डायरेक्शन सेम और ऑपोजिट, डायरेक्शन सेम और ऑपोजिट। ठीक है, कंडीशन सेम लाइन, डायरेक्शन सेम और ऑपोजिट। तो यहां पे पता चल रहा है जो यहां पे देखो ए एंड सी के बीच में 0 डिग्री, बी एंड सी के बीच में 180 डिग्री, बट यहां पे 0 और 180 डिग्री है, मींस कोलिनियर वेक्टर का जो कंडीशन इट मस्ट बी 0 और 180 डिग्री। क्या होगा? वन फर्स्ट को मस्ट बी 0 एंड 180 डिग्री एंगल, उसका एंगल मस्ट बी 0 एंड 180 डिग्री रहेगा, तो उसको बोलते हैं क्या? कोलिनियर वेक्टर। और नहीं रहेगा तो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। वो कोलिनियर वेक्टर्स को डिवाइड करते हैं, वन इज पैरेलल, नंबर टू इज एंटी पैरेलल, वन इज पैरेलल एंड अदर इज एंटी पैरेलल, एंड पैरेलल मींस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ये एंटी पैरेलल ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो दोनों में डिवाइड करते हैं। मींस इफ टू लिनियर वेक्टर्स आर 0 और 180 डिग्री, दैट इज योर 0 डिग्री मींस पैरेलल, देन 180 डिग्री मींस एंटी पैरेलल। ठीक है, तो थीटा कितना? 0 और 180 डिग्री, मस्ट बी 0 और 180 डिग्री होगा, तो उसका जो कंडीशन रहेगा ऑल इक्वल वेक्टर्स, क्या? ऑल इक्वल वेक्टर्स
आर पैरेलल। देखो ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल, आर पैरेलल क्या आर पैरेलल, व्हाट ऑल पैरेलल, व्हाट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल, ये कंडीशन है ठीक है। ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल, व्हाट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल ठीक है। तो ये था, देन लास्ट है कोप्लानर वेक्टर्स। क्या है कोप्लानर वेक्टर्स? तो कोलिनियर नॉन कोलिनियर याद रखो, कोलिनियर दो टाइप पैरेलल एंड एंटी पैरेलल ठीक है। देन हम देखेंगे कोप्लानर लास्ट, कोप्लानर वेक्टर्स। देखो ये देखो एक प्लेन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस ठीक है। मान लो सपोज यहां पे ए वेक्टर है, ए बी वेक्टर ऐसे ठीक है। ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन ठीक है। क्या है एक्स वाई प्लेन, ये क्या होगा एक्स जेड होगा, एक्स जेड होगा ठीक है। देन ये क्या होगा वाई जेड होगा, ये वाई जेड होगा, एक्स जेड होगा, ये एक्स वाई प्लेन होगा। देखो ये एक्स वाई प्लेन में ए वेक्टर बी वेक्टर है, यहां पे सी वेक्टर है, यहां पे डी वेक्टर है ठीक है। मान लो सब कुछ, तो देखो ये दोनों वेक्टर प्लेन में है, ये एक वेक्टर है और ए भी एक वेक्टर है। मीन्स यहां पे बोल रहे हैं देखो ए एंड बी दो प्लेन में, किन प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। बट सी ए एंड सी एक प्लेन में है क्या, नहीं है। मीन्स ए एंड बी एक प्लेन है, प्लेन में है, बट ए एंड सी एक प्लेन में नहीं है। तो जो वेक्टर्स एक प्लेन में रहेगा उसको क्या बोलेगा हम, को प्लानर वेक्टर्स। बट ए एंड सी बी एंड सी देन सी एंड डी ए एंड डी ये सब नहीं हो पाएगा, एक प्लेन में नहीं है, इसको क्या बोलते हैं नॉन कोप्लानर वेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं नॉन कोप्लानर वेक्टर। तो दो वेक्टर एक प्लेन में रहेंगे उसको क्या बोलेंगे कोप्लानर वेक्टर्स। तो ए वेक्टर सी वेक्टर प्लेन में नहीं है तो नॉन कोप्लानर, बी वेक्टर सी वेक्टर प्लेन में नहीं है एक ही प्लेन में रहेंगे लोग उसके आकार क्या बोलेंगे कोप्लानर वेक्टर्स बोलेंगे ठीक है। मींस देखो ये ए वेक्टर सी वेक्टर डिफरेंट प्लेन में है, बी वेक्टर सी वेक्टर डिफरेंट प्लेन, मींस ए वेक्टर बी वेक्टर सेम प्लेन में है तो क्या बोलेंगे कोप्लानर बोलेंगे और ए वेक्टर को नॉन कोप्लानर बोलेंगे। ये सब बेसिक टर्म्स है। लास्ट आएगा एक लोकलाइज्ड वेक्टर। क्या है लोकलाइज्ड वेक्टर? लोकलाइज्ड वेक्टर मींस देखो which initial point is fixed, the vector which initial point is fixed, initial point is fixed means तुम्हारा जो watch है, watch का देखो ये जो middle point ये fix है, जो minute hour minute ये सब move कर रहे हैं, but ये जो watch है watch का middle point क्या है fixed है, तो उसको क्या बोलेंगे localized vector। और which initial point is not fixed, initial point is not fixed, तो इसको हम बोलेंगे नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। क्या बोलेंगे नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर ठीक है। यहां पे देखो लोकलाइज में आएगा वाच ठीक है, वाच या मिडिल पॉइंट जो क्या फिक्स्ड है तो वाच का, बट इन नॉन लोकलाइज्ड इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड ओके। तो ये तुम्हारा था टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में, व्हाट इज यूनिट वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, नॉन वेक्टर्स, कोलिनियर, कोप्लानर, इक्वल, नेगेटिव, लोकलिस्ट एंड नॉन लोकलिस्ट ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन देखेंगे, उसके बारे में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ओके। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।